नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर है, किसान प्रदर्शन के चलते ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा और लखनऊ में आज बदली रहेगी यातायात व्यवस्था। लखनऊ की सीमा पर मुस्तैद की गई पुलिस। राजधानी लखनऊ में कई जगह पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा और बदली व्यवस्था में एम्बुलेंस फायर सर्विस को छूट दी गई है। भारतीयों ने राजभवन पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, जिसके चलते पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हर चौराहे पर पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी है और किसान प्रदर्शन के चलते ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। तो लखनऊ की सीमा पर पुलिस मुस्तैद की गई है। राजधानी लखनऊ में कई जगह ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। बदली व्यवस्था में एम्बुलेंस और फायर सर्विस को छूट दी गई है। तो लखनऊ में किसान का प्रदर्शन है आज और इसी के चलते पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही। ट्रैफिक का डायवर्जन भी किया गया है कई जगहों पर, जिसमें एम्बुलेंस और फायर सर्विस को छूट दी गई। तो भारतीयों ने कृषि कानून के विरोध में कल राजभवन के घेराव करने का ऐलान किया था, जिसके बाद एहतियातन पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन का कदम उठाया। साथ ही साथ कई जगहों पर, कई चौराहों पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। 11 दौर की बातचीत भी हो चुकी किसानों के साथ में सरकार की, लेकिन सारी बातचीत बेनतीजा रही। अब 26 तारीख को किसान दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और हर प्रदेश से, हर जिले से किसान परेड के समर्थन में परेड निकाली जाएगी। और लखनऊ से हमारे संवाददाता अबू तलाह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं तमाम सारी अपडेट के साथ में। अबू, भारतीय किसान यूनियन ने आज राजभवन घेराव का ऐलान किया था कृषि बिल के विरोध में, किस तरह से अभी हालात फिलहाल सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं? जी देखिए, अगर बिल्कुल अगर आपको बता दें, कृषि बिल के विरोध में आज तमाम जो किसान हैं उन्होंने राजभवन की तरफ कूच करने का ऐलान किया था और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए कहा था। तो उसको देखते ही पुलिस कल रात से ही पूरी तरह से सतर्क है। तमाम लखनऊ के जितने भी बॉर्डर थे वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है। राजभवन के आसपास का इलाका की अगर बात की जाए, हजरतगंज 10 90, तो हर जगह पे पुलिस तैनात है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। तमाम जो पुलिसकर्मियों की यही प्रयास है कि जो किसान है वो राजभवन तक ना आ पाए। फिलहाल कई जगह लखनऊ में ऐसे देखने को मिला, जैसे गुसाईगंज की बात करें तो गुसाईगंज में, और दूसरा बॉर्डर अगर बात करते हैं तो इटौंजा बॉर्डर की बात करें तो तमाम जगह किसान कुछ इकट्ठा है जो कि वहां बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उनको अभी वहां बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। तमाम जो किसान है उनको अभी आगे नहीं आने दिया जा रहा है, पर जो किसान है वो लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि वो राजभवन की तरफ कूच करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। जी जी अबू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।